हेलो फ्रेंड्स, फाइनली ये मशीन मेरे पास आ चुका है और इसका मैं कॉइल चेंज करूँगा। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि ये जो मशीन है 6 से 7 बार मैं उसका कॉइल को सोल्डिंग किया हूँ। दोस्तों, ये कॉइल शॉर्ट है तो आपको भी पता है, बहुत वीडियो में बताया हूँ, अगर आपके मशीन में कॉइल शॉर्ट होता है तो सोल्डिंग कर सकते हो, बट सोल्डिंग करने के बाद ये ज़्यादा टाइम लास्टिंग नहीं करता है। आपका 50-50 चांस है कभी तो ख़राब हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, दोबारा उसके पास से ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये भी ये जो मशीन है ऐसे ही हुआ है। कस्टमर आके बार बार बोल रहा था कि भाई सोल्डिंग कर लो, थोड़ा चल जाएगा जितना दिन। फिर भी दोस्तों, ये मशीन 6 महीने के आसपास हुआ है, ये कंटिन्यू चला है सोल्डिंग करने के बाद। लगभग ये मैं 6 महीने के अंदर दो से तीन बार मैं उसको सोल्डिंग किया हूँ। और अभी जो ये मशीन मैं उसको खोल रहा हूँ तो इसमें कॉइल चेंज करूँगा, क्योंकि दोस्तों अभी ये सोल्डिंग नहीं हो पाएगा और ये पूरा अंदर से डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मशीन मेरे पास है जीसीओ 200 या फिर 220, जो भी बोल सकते हो, दोनों मॉडल एक ही है, बट ये पुराना मॉडल है जीसीओ 200, जीसीओ 200। और अभी ये जो मॉडल है ये नया लॉन्च हो चुका है, उसका मॉडल नंबर जीसीओ 220 हो गया है, 220। तो अभी दोस्तों मैं उसका बड़ी हाउसिंग, मटर हाउसिंग खोल लेता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, कार्बन निकालने के बाद आप उसका तार, जो दोनों लीड रहता है, उसको डिसकनेक्ट कीजिए स्विच से प्लस उसका कनेक्टर से। तो अभी यहाँ पे देखिए, अंदर से दो आपको क्लैंप मिल जाएगा, क्लैंप में 2 स्क्रू है, दोनों को खोल लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी स्पेयर पार्ट चाहिए या फिर ये कॉइल भी चाहिए तो मेरे वेबसाइट चेक कर सकते हो, वेबसाइट का लिंक आई बटन में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, दोनों स्क्रू हमको यहाँ पे खोलना पड़ेगा। तो अगर रिपेयर भी करना है, कोई भी मशीन रिपेयर करना, तो जरूर मेरे एड्रेस पे भेज सकते हो, एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप साइड में देंगे नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, दोनों स्क्रू को खोलने के बाद साइड में आपको क्या करना है, ये देखिए ये डिस्कनेक्ट हुआ है। तो ये जो पत्ती रहता है कार्बन कनेक्टर, दोनों पत्ती के ऊपर स्क्रू लगता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो मैं खोल रहा हूँ। और ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप कॉइल खोलो तो इसको भी आपको खोलना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कार्बन होल्डर के साइड मिल जाएगा दोनों पत्ती, दोनों साइड में स्क्रू लगता है, तो इसको खोलना पड़ेगा। आपको कार्बन होल्डर खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस साइड में जो कॉल का यहाँ पे जो कनेक्टर है उसको खोलना पड़ेगा। और यहाँ से देखिए, यहाँ से पूरा अंदर से डिस्कनेक्ट हुआ है। तो अभी आप इसमें सोल्डिंग नहीं कर पाओगे, तो अभी हम क्या करेंगे, उसका कॉइल चेंज करेंगे। तो चलिए कॉइल को चेंज करते हैं, कॉइल कैसे चेंज किया जाता है वो देखेंगे। दोस्तों, अगर आपके मशीन में मॉडल नंबर अलग है, जैसे कि जिसी ये जिसो 200 है, एक मशीन जिसो 2 आता है और जिसो 2000 भी आता है, और सभी का मशीन में अलग अलग स्वेयर लगता है, ध्यान दीजिएगा ज़रूर। इसमें दोस्तों जिसो 220 या फिर जिसो 200 का कॉइल लगा, यहाँ पर देखिए ये जो पत्ती है यहाँ पर यह डिस्कनेक्ट, कितने बार मैं सोल्डिंग किया हूँ आप खुद चेक कर लो। तो अभी मेरे पास है नया कॉइल, तो कॉइल को हमको इसमें डालना है, इसका MRP आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पर देखिए जिसो 220 लिखा है, बट उसका मॉडल भी सेम है, जिसो 200 भी है, और ये मशीन मेरा जिसो 200, तो जिसो 220 का मैं कॉइल लगाऊँ। तो ऐसा नहीं है, बहुत लोगों ने कॉल करते हैं भाई जिसो 220 का कॉइल जिसो 200 में लगेगा या नहीं लगेगा, जरूर लगेगा, कोई इशू नहीं है, बस उसका मॉडल नंबर चेंज किया है, 200 को 220 किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, तो अभी दोस्तों इसका कॉइल को हमको फिटिंग करना है। देखिए, सबसे पहले आपको इसके अंदर में जो दो लीड लिंक निकलता है, अंदर से जो कॉइल का कनेक्टर है, यहाँ पे देखिए पिन भी मिल जाएगा आपको, कॉइल अंदर वाला कार्बन होल्डर उसको नीचे अंदर करना है। फिर यहाँ पे देखिए, ये जो क्लैंप के तरफ, क्लैंप जो रहेगा वो घाटी की तरफ रहेगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों एक क्लैंप मिलेगा, एक नॉर्मल, यहाँ पर एक नॉर्मल है, तो यहाँ पर रहेगा, और ये जो घाटी देता है इसमें क्लैंप रहेगा। ओके, क्यों रहेगा दोस्तों, ये स्विच में ये जो क्लैंप रहता है, जिसमें क्लैंप दिया गया है, वो स्विच में जाके कनेक्ट होगा, तो बड़ा तार होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप किसी भी तरफ लगा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट ये जो क्लैंप वो आप घुमा के लगाओगे तो क्लैंप ये उसका स्विच में नहीं पहुँच पाएगा, तो इसलिए क्लैंप को आपको घाटी की तरफ रखना है। तो दोनों को आपको टाइट करना है परफेक्ट तरीके से, बराबर फिटिंग करके। तो दोस्तों, चैनल में नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नया चैनल भी अभी अवेलेबल हो चुका है, चेक कर सकते हो, एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, टेक्निकल सिस्टम 2.0।
अभी दोस्तों ऊपर वाला जो लेड रहता है वो वायरिंग करना पड़ेगा, और अंदर से आपको उसका जो कॉइल का कनेक्टर जो रहता है आप जहाँ पे लगाओगी उसका कार्बन कनेक्टर, तो इसको आपको यहाँ पे लगा के उसके ऊपर एक स्क्रू टाइट करना है, वो इम्पोर्टेंट है ध्यान दीजिएगा, ऐसे आपको टाइट करना है। फिर दूसरी तरफ आपको दोनों कॉइल का कनेक्टर मिलेगा जिसमें कार्बन फिटिंग किया जाता है, कार्बन क्लैंप, तो इसको भी आपको ऊपर खींच के उसका घाटी में बिठा के उसको भी टाइट करना है, ध्यान दीजिए। सभी स्पेयर पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन चेक कर सकते हो, इंडिया के हर एरिया में डिलीवरी हो जाएगा, कोई भी ऑर्डर कर सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन दोस्तों पेमेंट करना पड़ेगा, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है। ओके, यहाँ पे दोस्तों मैं वायरिंग किया हूँ, तो जो वायरिंग मतलब दोस्तों इसका तार रहता है बस उसका घाटी में बिठाना है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये परफेक्ट नहीं बैठेगा तो आपका कॉइल सही से नहीं बैठेगा, ये ध्यान दीजिए दोस्तों। अगर आपका मशीन में इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाएगा तो ये फिटिंग नहीं हो पाएगा, ये बोस का ओरिजिनल मशीन है तो लोकल में चल जाएगा, ये चलने के बाद ख़राब हो सकता है, लेकिन इसमें फिटिंग भी नहीं कर पाओगे तो ध्यान दीजिएगा। अब एयर डिफ्लेटरिंग लगा रहा हूँ, अगर आप उल्टा लगा लोगे कोई चीज़ सही से नहीं बैठेगा वो फिटिंग नहीं हो पाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए आर्मेचर में एक 607 वाला लगता है रबर रिंग जो इसके मोटर हाउसिंग में है, अगर आपका नहीं है ध्यान दीजिएगा, ज़रूर लगाइए, मोटर हाउसिंग में ये फंसा हुआ है नहीं निकल रहा है, तो इससे ऐसे भी आप घुसा सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट आप उसको खोल के बिठाने में अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा रहता है, परफेक्ट तरीके से लगता है, बट ये नहीं निकला तो मैं बोला चलो कोई इशू नहीं है, इसको दोबारा ऐसे ही लगा लेते हो जाएगा। अगर वो नहीं बैठेगा आपका आर्मेचर सही से नहीं घूमेगा ध्यान दीजिएगा, अगर आपके मशीन में मैग्नेटिंग फील्ड प्रॉब्लम हो रहा है वो ध्यान दीजिएगा, वो ख़राब होने से भी ऐसा होता है, वो सही से नहीं बैठेगा आर्मेचर परफेक्ट तरीके से वो काम नहीं करेगा, तो वो ध्यान दीजिएगा। जो सेलिंग जो रबर रिंग रहता है सॉरी रबर रिंग रहता है जो रबर का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब आप फिटिंग करते हो ये चीज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए, लॉक भी चेक करके आप बिठाइए, वो जो ब्लेड लॉक होता है जब आप कॉल को बिठाते हो मोटर हाउसिंग को बिठाते हो वो ध्यान देना ज़रूरी है। तो अभी दोस्तों हम वायरिंग करेंगे, देखिए छोटा तार जो रहता है वो आपको यहाँ पे क्लैंप पे फिटिंग करना है, और बड़ा तार देखिए बड़ा वाला तार रहता है, अगर आप उसको घुमा दोगे तो ये पूरा छोटा हो जाएगा, उसका स्विच तक ये नहीं पहुँचेगा, तो ध्यान दीजिएगा उसके घाटी में आपको बिठा के लाना है। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे उसका स्क्रू को यहाँ से फिटिंग कर लेंगे, तो यहाँ पे ये लगभग रेडी हो चुका है, कोई इशू नहीं होगा, और शायद अभी मशीन को भी चला लेंगे, देखेंगे और कोई इशू है या नहीं है, या फिर जो प्रॉब्लम था नॉर्मल था, ये कॉइल डिसकनेक्ट हुआ था, तो अभी हम कंपलसरी नया कॉइल डालने हैं, कंपलसरी ये चलेगा, ऐसा कोई इशू नहीं होगा, बट फिर भी हमको चलाना है, टेस्ट करना है, देखना है इसमें और कोई दिक्कत है या नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे और एक दिक्कत बाहर निकलेगा जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी दोस्तों हम उसमें कार्बन लगाएंगे, तो कार्बन यहाँ पे आप हमेशा ओरिजिनल डालिए, अगर आपका मशीन में ओरिजिनल आर्मेचर डाला है तो ओरिजिनल कार्बन भी डालिए, ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर ओरिजिनल कार्बन नहीं डालोगे तो लोकल में ख़राब हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। कार्बन क्लैंप को आपको लगाना है उसका कनेक्टर में, कॉइल का कनेक्टर में, और ये जो कनेक्टर है वो टाइट जाना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी तरफ आपको लगाना है दोनों कार्बन, दो कार्बन लगता है इसमें, और ये दोनों कार्बन आपको पूरा स्मूथली अंदर जाना चाहिए, अगर टाइट हो रहा है तो आपको उसको निकल के कार्बन होल्डर का, इधर कार्बन होल्डर थोड़ा क्लीन कर लीजिए, नहीं तो चेंज कर लीजिए, नहीं तो आप कार्बन को मत घिसिए, दिक्कत करेगा। ओके, अभी हम टेस्ट कर लेंगे, सीरीज में चल रहा है, तो यहाँ से मैं चलाने जब चलाया मशीन को यहाँ पे एक और प्रॉब्लम शो कर रहा है कि ब्लेड बॉल जोर से हिल रहा है, तो ब्लेड हिलने का कारण ये हो सकता है ब्लेड थोड़ा बेंड रहता है, कभी कभी वो ज़्यादा एक तरफ ज़्यादा खा जाता है एक तरफ कम खाता है, तो इसके वजह से हिल रहा है, तो इसको हमको टेस्ट करना है, और यहाँ पे मैं लगा लूँगा सब पहले यहाँ से मोटर हाउसिंग को पूरा क्लीन कर लूँगा, फिटिंग ब्लेड फिटिंग कर लूँगा, फिर दोबारा हम आगे वाला पोजिशन देखेंगे क्या और इशू है, ब्लेड क्यों हिल रहा है और थोड़ा साउंड भी आ रहा है, तो इसके ऊपर हम तो चेक कर लेंगे कि शायद ये जो प्रॉब्लम है उसका ब्लेड का प्रॉब्लम होगा, तो ब्लेड को निकाल के हम चेक करेंगे। अभी दोस्तों उसका मटर हाउसिंग का
ऊपर वाला हैंडल वो फिटिंग कर लेंगे यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे ये लगभग ये पीछे वाला पोजीशन रेडी हो चुका है। मशीन को चलाएंगे। ओके ये पीछे से शायद आपको पता नहीं चला कि हिल रहा है या नहीं हिल रहा है। मैं आपको आगे वाला पोजीशन चला के दिखाऊंगा कि ये कितना जोर से हिल रहा है। ओके तो यहाँ से आपको पता शायद चल जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम ये हो रहा है जब हम मशीन को स्टार्ट करते हैं वो थोड़ा झटका देकर चल रहा है, फिर ऑफ करेंगे वो भी हिल रहा है, झटका देके ऑफ हो रहा है। तो शायद जो मुझे लग रहा है इसमें उसका गियर का प्रॉब्लम हो सकता है, उसका बेयरिंग ब्रैकेट वो खराब हो सकता है। तो अभी दोस्तों हम निकाल लेंगे फिर देखेंगे क्या दिक्कत है। पर दोस्तों यहाँ पे मैं जब उसको खोला तो यहाँ पे मुझे पता चला कि इसका दो स्क्रू ढीला हो गया है, तो इसके वजह से ये दिक्कत हो रहा है। मुझे लगा ये बेयरिंग का जो बेयरिंग ब्रैकेट रहता है, बेयरिंग होल्डर, ये ख़राब होगा। कभी कभी ये ढीला होने के बाद बेयरिंग आगे पीछे होता है, पैकिंग देना पड़ता है, बट इसमें ऐसा नहीं है, दोनों स्क्रू ढीला हो गया है। तो अगर आपके पास कोई मशीन है तो मशीन रिपेयर मशीन आप काम कर रहे हो या फिर रिपेयर कर रहे हो तो ये इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आगे वाला स्क्रू को थोड़ा टाइट कर लीजिएगा फिर आप मशीन चलाइए, नहीं तो फिर आप कस्टमर को दे सकते हो। तो यहाँ पर उसका फाइनल टेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये पूरा रेडी हो चुका है। तो फाइनल दोस्तों ये बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है, कस्टमर को हमको दे देंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप उसको रिपेयर करो तो इसका फिटिंग चार्ज कितना लेना चाहिए आपको कस्टमर से। तो यहाँ पे दोस्तों फिटिंग चार्ज आपको जब से मशीन 250 रुपया नहीं तो 300 रुपया लेना है कस्टमर से। तो इस तरह से आपको फिटिंग करना है तो बराबर परफेक्ट तरीके से फिटिंग करना है। छोटा मोटा काम करोगे तो 100 रुपया 150 रुपया ले सकते हो, लेकिन कॉइल फिटिंग कर रहे हो तो 250 से आपके हिसाब से आपके मार्केट से ले लीजिए, 250 से 300 रुपया ये 400 का फिटिंग चार्ज रहता है। तो यहाँ से हम उसका ब्लेड जो रहता है उसको टाइट कर लेंगे। ओके तो यहाँ पे मशीन को थोड़ा चला लेंगे दोबारा। तो यहाँ से बिल्कुल सही से चला है, कोई और इशू नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों इतना दूर वीडियो देखने के लिए।